हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पहले देखो पहले सीखो के इस नए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो के अंतर्गत बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल के अंतर्गत भी देखा था और आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2019-20 को लेके। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी राहत की खबर हमारे सामने निकल के आ रही है। बीएड और बीएसटीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए इस बार शिक्षक बनने का एक बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका जो है सामने आ रहा है। रीट लेवल फर्स्ट और सेकेंड वाले अभ्यर्थियों का अब जो इंतजार है वो पूरी तरीके से समाप्त होने जा रहा है। बहुत ही बड़ी खबर, बहुत ही बड़ी खुशखबरी, जिसके तहत मैं आपको बताने वाला हूं रीट शिक्षक भर्ती होगी या आरटेट भर्ती होगी। अभी तो सबसे पहले असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि कांग्रेस सरकार जो है इसे रीट ही लागू रखेगी या आरटेट करेगी। तो अभी तक सूत्रों के मुताबिक इस योजना यानी कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है इसे रीट ही यहां पे रखा गया है। अब कितने पदों पर वैकेंसी होगी और कब वैकेंसी आने की यहाँ पर उम्मीद बताई जा रही है, तो आज दैनिक भास्कर की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के माध्यम से एक विज्ञप्ति जारी की गई है जिसके अंतर्गत रीट के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि कितने पदों पर भर्ती होगी और कब कब पहले वैकेंसी हो चुकी है, कितने पद खाली है, कब इसके एग्जाम कराने की उम्मीद यहां पे बताई जा रही है। दोस्तों लाखों अभ्यर्थी जो बीएड और बीएसटीसी कर रखे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका आ चुका है। आप जो है शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो अभी से अपनी तैयारी में जुड़ जाएं, क्योंकि जल्द ही शिक्षक भर्ती जो है रीट शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2019-20 जो है संपन्न होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी भाई बहनों से एक छोटा सा विनती, एक छोटा सा आग्रह करूंगा, अगर इसी तरीके से एजुकेशन से जुड़े वीडियो आप सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखना चाहते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड यानी कि रीट लेक्चर हार, सारे वीडियो आपको हमारे चैनल के ऊपर उपलब्ध हो पाएंगे। पहले भी मैंने सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के, रीट के वीडियो उपलब्ध करा रखे हैं। अगर आप उनसे रिलेटेड वीडियो जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप सेकंड ग्रेड या रीट या बीएसटीसी बीएड के वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों एक छोटी सी विनती करूँगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, इस वीडियो के नीचे इस तरीके से एक रेड सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा आपको, रेड इस सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके आपको इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस चैनल के साथ जुड़ना है। इसके साथ ही दोस्तों सब्सक्राइब के राइट साइड में आपको एक छोटे से बैल या घंटे का निशान दिखाई दे रहा होगा, इसे दबा के भी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना है। इससे ये होगा जैसे ही कोई भी एजुकेशन या बीएड बीएसटीसी यानी कि टीचर से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी आती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, उसका वीडियो आप नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन पर देख पाएंगे। और दोस्तों जानकारी अच्छी लगती है और इस वैकेंसी के आने से अगर आप खुश हैं तो इस वीडियो के नीचे थंबनेल के बटन को दबा के वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों और मिलने वालों के बीच शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ के एजुकेशन के वीडियो देख सके और रीट की तैयारी में जुड़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, आशा करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। तो दोस्तों चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों मैं बिल्कुल लाइव पुख्ता सबूतों के साथ आपके सामने इस वीडियो में हाजिर हो पाया हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट रूप से बता रखा है युवा रोजगार अवसर, दैनिक भास्कर जयपुर गुरुवार 22 अगस्त 2019 की ऑफिशियल रिपोर्ट है जिसके अंतर्गत यहां पे बताया गया है खुशखबरी, शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी राहत। शिक्षकों के 21,000 पदों पर भर्ती की तैयारी इस साल हो सकती है। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि हम बात करें टोटल ऑफ वैकेंसी जो है इस बार 21,000 वैकेंसी आने की संभावना यहां पे बताई जा रही है। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं, आपको मैं जूम करके थोड़ा सा दिखा दूं आपको, दोस्तों वीडियो एचडी क्वालिटी तक उपलब्ध है, आप जूम करके देख सकते हैं। तो देख सकते हैं राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। शिक्षा विभाग के लिए बजट में की गई 21,000 पदों पर भर्ती की तैयारी के लिहाज से इस साल रीट का आयोजन हो सकता है। यानी कि जैसे कि बजट में यहां पे घोषणा की गई थी कि हम 21,000 रीट की वैकेंसी यहां पे लेके आएंगे, उसी के मुताबिक अब जो है इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। विभाग ने रीट के आयोजन को लेकर खाका तैयारी करने का काम शुरू कर दिया है।
समक्ष स्तर पर अनुमति के बाद इस काम को और गति मिलेगी। फिलहाल दो विकल्पों को ध्यान में रखकर रीट के आयोजन की तैयारी की जा रही है, यानी कि इसके दो शेड्यूल बनाए गए हैं। क्या तो ये जो वैकेंसी है ये नवंबर के महीने में होगी या फिर फरवरी के माह में इस वैकेंसी को कराने का यहाँ पे दो शेड्यूल बनाया गया है। तो हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिलहाल दो विकल्पों को ध्यान में रखकर रीट का आयोजन करने की तैयारी की जा रही है। इसमें एक तो नवंबर में रीट का आयोजन कर लिया जाएगा, या इस महीने में संभव नहीं हो सका तो फिर फरवरी में इसका आयोजन किया जाएगा। यानी कि सबसे पहले तो नवंबर में ये वैकेंसी आने वाली है रीट की। अगर नवंबर में किसी कारण से अगर वैकेंसी नहीं होती है तो फिर इसका जो अगला शेड्यूल है वो फरवरी माह में यानी कि 2020 में आने की इसकी संभावना बताई जा रही है। रीट के आयोजन की जिम्मेदारी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास है। बोर्ड के पास अक्टूबर से लेकर फरवरी माह तक कोई अधिक काम नहीं रहता, इस कारण इसी माह में रीट कराने की यहाँ पे सोची है। फरवरी के बाद बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाती है, ऐसे में उस अवधि में रीट के आयोजन को लेके बोर्ड के सामने काफ़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। इस कारण से अक्टूबर से लेके फरवरी के माह के मध्य इस वैकेंसी को कराने का यहाँ पे बड़ा जो फैसला है लिया गया है। विभाग के अधिकारी जल्द ही रीट के आयोजन की पूरी रूपरेखा तैयार कर समक्ष स्तर पर रखेंगे। इसके बाद अनुमति मिलते ही आगे की प्रक्रिया जो है जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। सरकार ने इस बजट में विभाग में 21,000 पदों पर भर्ती का ऐलान किया था, हालांकि यह नहीं बताया कि इसमें से तृतीय श्रेणी शिक्षक के कितने पद होंगे, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षक के पदों पर भर्ती से पहले रीट का आयोजन होना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे में विभाग चाहता है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले रीट का आयोजन कर लिया जाए, ताकि फिर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना आ सके। तो दोस्तों ये थी जानकारी, जिसके अंतर्गत यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इसकी जो तैयारी है पूरी तरीके से कर दी गई है, यानी कि अक्टूबर माह से लेकर फरवरी के माह तक 21,000 रीट के तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के पदों पर भर्ती होने की यहाँ पर संभावना बताई जा रही है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 9 साल में 4 बार हुई रीट, 2011 से 2019 तक 9 साल में सिर्फ 4 बार ही रीट वैकेंसी का आयोजन हो पाया है। 2011 में, 2012 में, 2015 में और 2017 में लास्ट ईयर जो वैकेंसी आई थी, इन वर्षों में ही 4 बार रीट का आयोजन हो पाया है। वर्ष 2011 और 2012 में आरटेट के नाम से इस भर्ती का आयोजन किया गया था। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 और 2 के लिए रीट में 60% अंक यानी कि 150 में से 90 नंबर आपके लाना अनिवार्य है, कंपलसरी रखा गया है। 60% अंक यानी कि 150 का 60% जो 90 अंक होता है ये आपके आना जरूरी होता है। काफ़ी जो फ्रेशर अभ्यर्थी हैं उनको अभी नहीं पता है, तो 150% आएंगे जिनमें से 90% अगर आप किसी भी प्रकार की नेगेटिव नकारात्मक अंक इसमें नहीं रहता है, अगर आप 90 नंबर लेके आते हो यानी कि 60%, तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा चाहे आप का सिलेक्शन हो या नहीं हो। उसके बाद कट ऑफ जो है लगभग इसकी 125 से लेके 130 या 135 के मध्य इसकी कट ऑफ जाती है। एसटी की बात करें तो हम 110 से लेके 120 तक यानी कि 110 से लेके और 135 तक इसकी कट ऑफ जाती है ऑल कैटेगरीज की हम ओवरऑल बात करें तो। तो दोस्तों अब आप यहां पे देख सकते हैं अभ्यर्थियों को 2 साल से रीट का इंतज़ार है, अक्टूबर से फरवरी तक का समय रीट के लिए उपयुक्त है। सरकार को चाहिए कि इस अवधि में रीट का आयोजन कर बेरोजगारों को राहत वैकेंसी के रूप में दिलाई जाए, साथ ही 21,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द ही यहां पर शुरू कर दी जाएगी। उपेंद्र यादव अध्यक्ष राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ द्वारा यहां पर जो ऑफिशियल जानकारी है ये दी गई है उपेंद्र यादव द्वारा। तो दोस्तों ये थी रीट शिक्षक भर्ती 2019-20 को लेकर बड़ी अपडेट, जिसके तहत शिक्षकों के 21,000 पदों पर भर्ती को लेके यहाँ पे तैयारी जो है राजस्थान सरकार द्वारा कर दी गई है। दोस्तों अगर आप रीट के बारे में जानकारी चाहते हैं, अगर आप फ्रेशर अभ्यर्थी हैं पहली बार रीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप जानना चाहते हैं कि कितने का पेपर होगा, क्या नकारात्मक रहती है, किस तरीके से हम तैयारी करें ताकि हम अच्छा स्कोर कर सकें, तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी जिस भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनवाना चाहते हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी जानकारी है,
वो मैं आपको उपलब्ध करा सकूँ, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी और इस वैकेंसी से अगर आप खुश हैं, तो इस वीडियो को दिल से अभी लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही जो भी आगे की अपडेट आती है रीट भर्ती को लेके उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और पास में घंटे के आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रीट वैकेंसी में भाग ले सकें, अपनी तैयारी जो है अभी से कंटिन्यू कर सकें। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप खुश होंगे ये जानकारी सुनकर। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट और ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल में बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।